आप हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 7 अगस्त 2019 को एसएससी एमटीएस के एग्जाम में तीसरे शिफ्ट में जीएस सर के क्या कुछ क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो एक क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, अंडमान एंड निकोबार जुडिशरी कम्स अंडर विच हाई कोर्ट, यानी कि जो अंडमान निकोबार की न्यायपालिका है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आती है। तो वो आती है कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर। वो इज ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण, यानी कि नील दर्पण नामक पुस्तक या फिर नाटक के लेखक कौन है। ये लेखक है दीन बंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो इकोनॉमिकल व्हीकल्स वीकर सेक्शंस हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, और ये डेसिमल्स में पूछा गया था। तो 0.1 डेसिमल बनता है, यानी कि 10%। सी विजिल ऐप इज रिलेटेड टू विच, यानी कि जो सी विजिल नामक ऐप है उसका संबंध किस चीज़ से। तो देखिए, उसका संबंध है इलेक्शंस के दौरान मतदाताओं को कोई भी परेशानी होती है तो उनकी परेशानी को दूर करना और उनको हेल्प प्रोवाइड करना। ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैस्कर वो रिटर्न नाइटहुड उपाधि, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। वेयर फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टेब्लिश्ड इन, यानी कि भारत के अंदर पहली जो कॉटन की मिल थी, यानी कि कपास की जो मिल थी, वो कहाँ पर लगाई गई थी। तो देखिए, सबसे पहले जो मिल लगाई गई थी 1818 में कलकत्ता के अंदर लगाई गई थी, लेकिन ये फेल हो गई थी, यानी कि जल्दी ही चल नहीं पाई थी और इसको बंद कर दिया गया था। और जो फर्स्ट टाइम, फिर ऐसा माना जाता है कि जो सक्सेसफुल जो पहली मिल लगी वो 1854 में लगी और बॉम्बे के अंदर लगी, और उस कंपनी का नाम क्या था, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से जाना था, अगर दोनों ऑप्शंस में है तो आपको कलकत्ता पे जाना था, और अगर कलकत्ता नहीं था तो बॉम्बे पे आपको आंसर देना था। वेयर इज हवन टोटा पोर्ट, यानी कि हवन टोटा बंदर का कहाँ पर है, तो यह श्रीलंका के अंदर। डिजीज टाइफाइड इज कास्ड बाय, यानी जो टाइफाइड जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है। तो देखिए, टाइफाइड बीमारी होती है सेल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से टाइफाइड बीमारी हो जाती है। वो इज हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी के काउंसिल को हेड कौन करता है, जीएसटी काउंसिल का मुखिया कौन होता है। तो देखिए, जीएसटी काउंसिल का मुखिया होता है भारत का वित्त मंत्री, और इसमें जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमण, और 2014 से 19 के बीच में निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री रही है, डिफेंस मिनिस्टर रही है। अगला क्वेश्चन था, नेशनल स्पोर्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगर बात करी जाए अमेरिका के अंदर प्रचलित खेल कौन सा, तो वो है अमेरिकन फुटबॉल, लेकिन अगर राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो वो बेसबॉल ही बोला जाएगा। अमेरिकन फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया अमेरिका के अंदर, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही है। क्वेश्चन था, विच सिटी इज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली, यानी कि इंडिया की अगर शहर की बात करी जाए तो कौन सा ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। तो देखिए, ये है, इसका आंसर था अहमदाबाद। और अगर ऑप्शंस में जयपुर भी होता तो जयपुर को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, लेकिन इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए अहमदाबाद, आगरा, मुंबई और भोपाल में, तो इसका आंसर आना था अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन था, प्रसाद स्कीम इज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्टर, यानी जो प्रसाद योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। चालू की गई थी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के द्वारा। एडम्स निकोलस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो एडम्स निकोलस है उनका संबंध किस खेल से, तो वो संबंधित है बॉक्सिंग से। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉन परमानेंट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स हैं जो परमानेंट नहीं है। तो देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 15, और इन 15 के अंदर से 5 मेंबर होते हैं जो कि होते हैं परमानेंट, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो पेपर में आया था नॉन परमानेंट के बारे में, तो इसका आंसर आना था 10। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एटमोसफेयर, यानी कि ओजोन जो परत है जो कि हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है और स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाती है, तो वो एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में पाई जाती है। पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच फिनोमिनन, यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस वजह से टिमटिमाते हैं। तो देखिए, जो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। अगला क्वेश्चन था, अरेंज आयरन सोडियम गोल्ड एंड सिल्वर एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि हमें आयरन को, सोडियम को, गोल्ड को और सिल्वर को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के तौर पे अरेंज करना था, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे पहले आना था, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर कम, फिर बिल्कुल कम। तो देखिए, सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के
कंटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले आना था, उसके बाद आयरन, फिर सिल्वर और फिर लास्ट में गोल्ड। आपको पता है कि चांदी के ऊपर काली काली परत चढ़ जाती है, क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्शन करता रहता है, ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन सोने के ऊपर चढ़ती है लेकिन बहुत समय के बाद, यानी कि सोना सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर आयरन, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज मैंशन इन यूनियन बजट 2019-20, यानी कि 2019-20 के केंद्रीय बजट के अंदर कौन सी स्कीम का विवरण था। तो ऑप्शंस में जो दे रखा था उसमें आपको चूज करना था। 19-20 जो यूनियन बजट पेश किया गया उसमें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की बात कही गई है, और ये एक योजना जिसके तहत पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि SSC MTS के एग्जाम में 7 अगस्त को तीसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।